नंदनी लिसन 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 स्टॉप इट नंदनी प्लीज प्लीज मुझे जाने दो स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम मी मैं जानता हूँ पंडित के अरेस्ट हो जाने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है शुरू हुई यू शुड ऑल्सो नो दैट हम प्रॉब्लम से कभी डरे नहीं हैं वी हैव टू फाइट इट टुगेदर ना एंड वी हैव ऑलवेज डन दैट प्रॉब्लम तो मैं हूं ना आई ट्राइड फाइटिंग इट बट पता नहीं क्यों आई डोंट लाइक नंदनी Close your eyes. Close. And put your hand on your heart. So I don't care agar. I don't care whether you like yourself or not. What I care is, I won't let you lose. So अगर तुम्हें अब भी लगता है कि हमें एक साथ नहीं होना चाहिए तो ठीक है But I'll be around you, तुम्हारे आसपास So that जितना टाइम तुम्हें लेना है ना ले लो नो प्रॉब्लम आई वेट अरे नव्या देखा तू मेरी बात कितनी जल्दी मानने लगी लगता है तू भी शादी के लिए उतावली हो रही है ये देख हमने तेरे लिए इस जोड़े पसंद किए ये रेड वाला भाभी जी को भी ये पसंद आया है ना भाभी जी हाँ लेकिन फाइनल चॉइस वही होगी जो नव्या को पसंद है देखा कितनी नसीब वाली है तुझे भाभी जैसी सास मिली और हमारे जैसा एक टेलर मिला इतना खूबसूरत जोड़ा सिएंगे कि आप जगमगा उठेगी छोड़िए बहुत हो गया जाइए हमारी बात सुनो और ध्यान से सुनना ये शादी नहीं हो सकती कभी हमसे शादी नहीं कर सकता और कभी हमसे तो क्या कभी किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो गे है अरे अम्मा गे का मतलब गाय नहीं होता गे का मतलब वो लड़का होता है जो लड़की से प्यार करता है लड़की से नहीं समझे आप ये तुम क्या बात कर रहे हो बेटा यहाँ खड़ी है उनके सामने उनके बेटे के बारे में वो सब जानती है यहाँ पे हर कोई सब चीज जानता है कबीर एक बहुत अच्छा इंसान है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारे वजह से ऑलरेडी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है अरे अम्मा आप दोनों की इज्जत की वजह से हम कबीर को और प्रॉब्लम में नहीं फंस देंगे समझे आप ये शादी नहीं हो सकती अगर कबीर इस बच्चे का बाप नहीं है तो इस बच्चे का बाप कौन है हमारे इस बच्चे का जो भी बाप है ना अम्मा उसे हमारे बच्चे की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है जस्ट काम डाउन यार क्या काम डाउन कैसे काम डाउन लोगों को सुनना पड़ेगा आज सुनना पड़ेगा कि लोग गलत कर रहे हैं आंटी आप कबीर की शादी हमसे क्यों करवाना चाहती इसलिए कि आपको लगता है कि हमसे शादी करने के बाद कभी बदल जाएगा नहीं आंटी वो नहीं बदलेगा क्योंकि वो गलत है ही नहीं आंटी वो आपका बेटा है वो आपका बेटा है जिसे आप हमेशा से प्यार करती थी आपको मिस करता है हमने देखा कि वो आपको कितना मिस करता है आंटी और आपको लगता है कि ये शादी करने के बाद वो आपके और पास आ जाएगा नहीं आंटी ये शादी करवाने के बाद आप उसे अपने आप से और दूर कर रही हैं। और मां तुम
अच्छी तरह से जान लो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई है और वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी शादी नहीं होगी, वो इस बच्चे को अकेले इस दुनिया में जन्म देगी, समझी तू? कॉफी नहीं है, अर्जुन सिंह यही मिला कैंटीन में। वैसे तुमने कभी पूछा नहीं, पर मैं बता देता हूं, आई लाइक स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी। सुरेश मोहंती मेरा बटलर, यू नो वो लंदन की एक स्ट्रीट से ना ऑर्डर करके वो मंगवाता है। तुम्हें चाहिए? नहीं मतलब मैं बस बता रहा हूं इनकेस तुम्हें कभी जरूरत पड़ सकती है, इफ यू वॉन्ट टू मेक मी स्माइल लाइक दिस। हाँ वैसे इट्स राइट नाउ इट्स योर टर्न टू स्माइल। ये अच्छा है, चले जाएंगे और तुम वापस कभी पटना मत आना।
तुम और तुम्हारा ये बच्चा दुनिया में अकेला है, चले जाएंगे। नव्या कभी अकेली नहीं रहेगी, मैं हूं उसके साथ और हमेशा साथ रहूंगा, उसका ख्याल भी रखूं। और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ना शादी करना जरूरी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी। इस बच्चे को हम लाएंगे इस दुनिया में और आप दोनों से ना अच्छे माँ बाप बन के दिखाएंगे, और आप लोगों की तरह ना अपने बच्चे को ना छोड़ के भी नहीं जाएंगे, भागेंगे नहीं उससे। हम लोग अभी कॉलेज जा रहे हैं, जब तक हम वापस है हम चाहते कि आप दोनों माए जो है ना अपने घर वापस निकल जाए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो प्लीज। जितना तुमने हमारे लिए किया ना उतना आज तक कभी किसी ने नहीं किया। मैंने तुम्हारी अम्मा को जो भी कहा ना सुनाने के लिए नहीं, आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। लुक एट योर फेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी बात सुनकर खुश हो परेशान। मैम नेवर नेवर, इतना हाई ड्रामा हो रहा है आजकल, थोड़ा हंस लेते ना यार, जस्ट मेक इट लाइट, स्माइल, come on smile। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं स्पीड होता जो कि मैं हूं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, पर अगर मैं होता तभी तुमसे शादी नहीं करता। पागल हो, अगर तुम स्ट्रेट होते ना तो हम तुमसे एकदम से शादी। नंदिनी वहां पे क्या कर रही है? क्या हुआ? अच्छा तो तुम दोनों साथ में? यार इतना हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों विल बी मिसिंग इन एक्शन एंड गेटिंग सम रेस्टेड, पर यहां तो आफ्टर लास्ट नाइट यू वाज सपोज्ड टू बी आवर न्यू डे। पंडित जी बीच में आ गए। तो तुम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता, तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है और उसे सॉल्व करने के बाद तुम दोनों वापस एक हो जाते हो और भी स्ट्रांग, है ना? जब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं माने को क्या समझा पाऊंगी। No, he's hurt too. But now we have. मैं कुछ नहीं कर सकती। कबीर, she's still hurting. कल रात को तो मैंने बचा लिया उसे पंडित से। I think it's too late. It's already damaged her. You know, मैं जानता हूँ what one goes through. When they're pushed into these dark places, I've been through that. Tu gaya usse, Mukti has been through that, but I don't want her to suffer. I want to lose her. Manik yaar, tu faltu mein worry kar raha hai. Kal raat ko hum sabse zyada na Nandini ke liye traumatic. She will take time to get over it, and she'll be fine. Tune dekha nahi aaj subah kya? नंदिनी खुद कॉलेज जाना चाहती है। That means she wants to be normal. Normal होता तो अपना पेन मेरे साथ शेयर करती। But she's not doing that. She's in fact shutting me out. She's keeping me away. और तू नॉर्मल होने की बात कर रहा है ना? That's like अभी मुझे उसके साथ होना चाहिए। But क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ हूँ। नव्या उसके साथ है। And maybe हो सकता है कि नव्या would be able to help Nandini in this matter. I hope. Maybe. Awesome.
Even Navya has been through a lot. तुम्हें पता है पिछले कुछ महीनों में हमने यही सीखा है नंदिनी कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, क्या बात? बात कैसे नहीं होगी एक बच्चे की माँ जो बनने वाले। तुम ठीक हो ना? मैं वहां पटना चली गई और ये बोल के गई है क्योंकि नव्या के लिए मर हमारी शक्ल दोबारा नहीं देखेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम ठीक हो सकते हैं तो तुम भी ठीक हो सकती हो। नव्या तुम सब मैनेज कैसे कर पाओगी? सुनो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वील हैंडल एवरीथिंग टुगेदर, ओके? अरे 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 झांसी की रानी, हमारी प्रॉब्लम सुन दिया तुम झांसी की रानी बन गई और खुद की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर सकती? हाँ देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कबीर है, उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। व्हाट सीरियसली? तूने कहा ना Navya has also gone through a lot now. So I thought ki I should help her. You should. But that's Kabir, that's a very big step. I'm proud of you, man. Let's think this way also. You're barely independent. और तूने ये step लिया? Let's figure out something. Okay, I'll relax. मैं देखता हूँ ना कुछ. Relax. I got this. ठीक है. मैं तुझे ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब इस unknown territory में जा रहा हूँ and I'm fully prepared. तो तू तो नंदिनी को जानता है. इस नई नंदिनी को जाने में तुझे मतलब decode करने में कितना time लगेगा? और बाकी सब हैंडल करने के लिए हम सब है ना यहाँ पे, हम सब है, विल मैनेज। चल गिव मी, चला जा।